नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप तुपारे। मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर और कंसल्टेंट हूँ। आज के वीडियो में मैं ये बताऊंगा जो स्टार हेल्थ में क्लेम का प्रोसीजर कैसे होता है, इसकी मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो आइए चलिए चलते हैं। देखिए, क्लेम्स दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है कैशलेस और दूसरा होता है रीइंबर्समेंट। यानी कैशलेस वो होता है कि जहाँ पर आपको कैश की कोई जरूरत नहीं गिरती, वो कंपनी के द्वारा और हॉस्पिटल के द्वारा ऑटोमेटिक क्लेम सेटल होता है। और दूसरा होता है रीइंबर्समेंट, यहाँ पर आपको पहले बिल पेड करना पड़ता है और उसके बाद कंपनी से आपको पूरा बिल रीइंबर्समेंट करवा के लेना पड़ता है। तो ये इसको रीइंबर्समेंट प्रोसीजर बोलते हैं। तो पहले जानते हैं कि रीइंबर्समेंट प्रोसीजर किस तरह से होती है। देखिए, रीइंबर्समेंट की जो प्रोसीजर है वो ऐसी होती है, जब भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर कंपनी को इंटीमेट करना होता है कॉल करके कि मैं एडमिट हो गया हूँ। तो जो भी आपका पॉलिसी नंबर है या कैशलेस आईडी कार्ड नंबर है वो कंपनी को बताइए और कौन से हॉस्पिटल में एडमिट हुए है उस हॉस्पिटल का एड्रेस बताइए, किस वजह से एडमिट हुए है वो भी आपको वजह बतानी पड़ती है, कौन से डेट को एडमिट हो गए वो भी आपको सब कंपनी को विद इन 24 आवर्स के अंदर कंपनी को आपको इंटीमेट करना पड़ेगा। आप जैसे इंटीमेट करते हो तो कस्टमर केयर द्वारा आपको एक क्लेम नंबर प्रोवाइड किया जाता है, जो नंबर आपके मोबाइल के ऊपर भी आ जाता है और आपका जो भी एडवाइजर एजेंट है उसको भी वो नंबर एसएमएस द्वारा प्राप्त होता है। तो उसके बाद जब भी आप डिस्चार्ज होंगे तो डिस्चार्ज के बाद आपके जो भी ओरिजिनल बिल्स है वो कंपनी में सबमिट करने होते हैं। वो बिल्स कौन से होंगे, जैसे कि आपका डिस्चार्ज कार्ड है, हॉस्पिटल का मेन बिल है, केमिस्ट के सभी बिल्स, आपका लैब का सभी टेस्ट, डॉक्टर्स इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, तो ये सभी ओरिजिनल बिल्स आपको कंपनी में जमा करने पड़ेंगे। और साथ में आपको एक क्लेम फॉर्म होता है वो आपको पूरा भरना पड़ता है, जिसमें जो बी पार्ट है वो हॉस्पिटल फिल करेगा और जो ए पार्ट है वो कस्टमर खुद फिल करेगा। अब ये फॉर्म किस तरह से भरा जाता है तो मैंने उसका एक सैंपल फॉर्म भर के दिखाया है, उसका मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पर क्लिक करके पूरा प्रोसीजर आप जान सकते हो कि किस तरह से क्लेम फॉर्म भरा जाता है। तो उसके बाद आपको साथ में एक कैंसिल चेक देना होगा और आपका क्लेम अगर 1 लाख के ऊपर है तो आपको अपना पैन कार्ड का भी एक फोटोकॉपी साथ में देना होगा। तो ये जो आफ्टर डिस्चार्ज के बाद विद इन 15 दिन के अंदर आपको ये सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कंपनी में जाके सबमिट करना होगा। तो जैसे आप सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर आपका जो भी क्लेम है वो सेटल होगा और जैसे ही क्लेम सेटल होगा वैसे आपको एसएमएस द्वारा उसकी सूचनाएं प्राप्त होती है और पूरा क्लेम का स्टेटमेंट जो भी आप मेल आईडी प्रोवाइड करते हैं क्लेम फॉर्म पे तो उसके मेल आपके मेल पे भी उसका पूरा स्टेटमेंट प्राप्त होता है, जो भी आपका डिडक्शन हुआ है या जो भी आपको अमाउंट मिली है पूरा उसका डिस्क्रिप्शन उस स्टेटमेंट के अंदर आपको मिल जाता है कि अभी कैशलेस ट्रीटमेंट कैसी होती है। देखिए, कैशलेस ट्रीटमेंट में ऐसा होता है कि जो भी कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल है उसकी लिस्ट आपके पॉलिसी के साथ में आपको मिलती है या स्टार हेल्थ के वेबसाइट पे भी जितने भी नेटवर्क हॉस्पिटल है उनकी लिस्ट ऑलरेडी दी हुई है। तो आपको यह करना है कि जब भी आप नेटवर्क हॉस्पिटल में जाएंगे तो हर एक हॉस्पिटल में इंश्योरेंस का डेस्क होता है तो वहां पर आप कॉन्टेक्ट कीजिए कि एडमिशन के लिए। तो जैसे आप वहां पर जाते हैं अपना ओरिजिनल पॉलिसी कॉपी या अपना कैशलेस कार्ड जो है वो साथ में लेके जाइए और आपको उसके साथ में आपका एक आईडी प्रूफ चाहिए, वो पैन कार्ड या आधार कार्ड हो सकता है। तो यानी आपका कैशलेस कार्ड का फोटोकॉपी और अपना पैन कार्ड का एक फोटोकॉपी हॉस्पिटल में आप देंगे, उसके बाद हॉस्पिटल के जो भी डॉक्टर है आपके ऊपर जो भी ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर है एक कोटेशन तैयार करते हैं, उसको प्री इन्वेस्टिगेशन एडमिशन बोला जाता है, जो वो फिल करके कंपनी को स्कैन करके सेंड करते हैं। तो जैसे सेंड करके करेंगे विद इन 3 to 4 hours के अंदर आपका कैशलेस का अप्रूवल आता है, जो भी अप्रूवल आता है आपके मोबाइल के ऊपर आपका उसका सूचनाएं प्राप्त होती है और आपका जो भी एजेंट या एडवाइजर है उनको भी सूचनाएं प्राप्त होती है। 3 या 4 दिन के बाद आप जैसे ही डिस्चार्ज होंगे
तो डिस्चार्ज के समय हॉस्पिटल आपके पूरे बिल यानी फाइनल बिल कंपनी को भेजते हैं और वहां पर डॉक्टर पूरे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं और कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार आपका क्लेम सेटल करते हैं। वो भी सूचना आपके मोबाइल के ऊपर प्राप्त होती है। तो उसके बाद आपका जो भी आपने बाहर से मेडिसिन या कोई टेस्ट करवाया होगा उसके ओरिजिनल बिल संभाल के रखिए, तो वो भी बिल आप बाद में जैसे ही डिस्चार्ज होंगे तो वो आप कंपनी में जाके सबमिट करके वो बिल भी आप रिइंबर्समेंट करा सकते हो। तो कैशलेस में जैसे ही आपका अप्रूवल आ जाता है तो उसके बाद आप घर जा सकते हो। तो ये स्टार हेल्थ का कैशलेस प्रोसीजर है। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।